किसान, फिर इतने महंगे महंगे औजार लेकर आता है, फिर फसल को बोता है, बीज को उपचारित करने के लिए भी उसमें दवाइयाँ मिलाता है, फिर कीटनाशक डालता है, स्प्रे करता है, बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं जिससे खर्चा ज़्यादा हो जाता है। और अगर फसल के उत्पादन की बात की जाए तो उत्पादन कम होगा, क्योंकि बहुत सारे विभिन्न प्रकार की रसायन डालने पड़ते हैं, पेस्टिसाइड दवाइयाँ डालनी पड़ती हैं, जिनकी वजह से जो हमारे मित्र कीट होते हैं फसल में वो भी मर जाते हैं। तो अगर हम बैलों से खेती करते हैं तो गोवंश या बैल एकमात्र ऐसे जीव हैं जो दूसरे जीवों को आसरा देते हैं, उनको सहारा देते हैं। अगर हम बैलों से खेती करते हैं तो जो आसपास के जितने भी कीट हैं वो हमारी फसल पर आएंगे ज़रूर, लेकिन मित्र कीट ज़्यादा आएंगे। अगर मित्र कीट हमारे वे होते हैं जो मांसाहारी होते हैं, और हमारे जो शत्रु कीट होते हैं जो शाकाहारी होते हैं। तो अगर हम बैलों से खेती करते हैं तो जो मांसाहारी कीट भी हमारी फसल पर आएंगे और शाकाहारी कीटों को खाने लग जाएंगे, जिससे हमें कीटनाशक डालने की आवश्यकता